इस वक्त हम लोग मौजूद है कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 3 के बिलगिचिया में, जहां के लोग पिछले 2 दिनों से परेशान हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोलकाता में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है और लगभग 42 से 43 डिग्री एवरीडे की जो गर्मी का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और तापमान आसमान को छू रहा है, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इसके अलावा रमज़ान का मुबारक महीना भी चल रहा है, जिसकी वजह से लोग और परेशान हैं और उसमें से लगातार 2 दिन से बिलगिचिया का जो ये इलाका है, यहाँ पर लोग परेशान हैं लोड शेडिंग होने की वजह से। आज से जो लोड शेडिंग हुई है और अब तक लाइन किसी के घर पर नहीं है, लोग पागलों की तरह बाहर निकल आए हैं, बच्चे रो रहे हैं, जो घर पे मरीज है वो भी परेशान है। यहाँ पे लोगों का आप हुजूम देख सकते हैं और जब यहाँ पर रोड को जैम किया गया, बिलगिचिया मेन रोड को जैम किया गया, तब जाकर के CSC ने फौरन एक्शन लेने की कोशिश की और कुछ CSC के जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ मौके पे पहुँचे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब CSC को पहले कॉल किया गया था तो CSC ने कहा कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो 8 बजे के बाद आएगा, लेकिन जब लोगों ने गर्मा गर्मी दिखाई और रोड को जाम करने की कोशिश की तब जाकर के CSC ने एक्शन लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जनरेटर्स यहाँ पर अभी अवेलेबल किए गए हैं थोड़ी देर की राहत के लिए। मौजूद स्थानीय लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि लोग यहाँ पर हेजिटेशन फील कर रहे हैं लेकिन गर्मी में रहना चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते और अपना मुद्दा उठाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इसके लिए हम पीछे हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलें, अपना बात रखें, अपने हक के लिए लड़ें कि उनको क्या परेशानी हो रही है। तो बताइए, आप बोलना चाहेंगे, क्या परेशानी और कब से परेशानी है बताइए। जैसा कि आप लोग जान ही रहे कि अभी जो मौसम है, हाँ, जिसका डिग्री 41 चढ़ रहा है, इस हालात में और बिलगिचे में जितनी गर्मी पड़ी हुई है, हाँ, इस हालात में भी अगर लाइन ना रहे तो हम लोग कैसे रहेंगे। अच्छा, ये CSC को समझना चाहिए, वो इमरजेंसी सर्विस देना चाहिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ का जो लाइन लोड शेडिंग है वो लोड शेडिंग को ठीक करे। अगर वो लोग बोलेंगे कि मेरा फ़ोन किया जा रहा है तो बोले 8 बजे इंजीनियर आएंगे तो काम होगा। अगर हम लोग इतना बड़ा एक्शन अगर नमाज फजर के बाद एक्शन नहीं लेते तो ये आप जो बोले हैं, कब से लोड शेडिंग है यहाँ पे? लोड शेडिंग तो आप 2 दिन से समझ लिया, आ रहा है जा रहा है। इससे कोई काम ही नहीं किया जा रहा है। जब हम लोग एक्शन लिए फजर के नमाज के बाद, हम लोग गर्मी में परेशान थे, काफ़ी लोग बोले, मशवरा हुआ तो जाकर जब रोड जाम किए, पहले बात हुआ था आपका CSC में तो वो बोले 8 बजे से पहले काम नहीं हो पाएगा, मेरा इंजीनियर नहीं आएगा और जनरेटर नहीं दे पाएंगे, प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग रोड जाम किए तो उनको मजबूरन उनके पास आपका जनरेटर भी आ गया और CSC के कुछ लोग भी आए। तो अभी तो आप लोगों का कुछ लोगों से जो वहाँ से एम्प्लॉयज आए उनसे कुछ बात हुई कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो बात नहीं हुआ, उनसे बात ही नहीं हो रहा। वो हाथ में ग्लव पहन के खाली घूर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर में घूर रहे हैं। अब अल्लाह मालूम वो लोग क्या कर रहे हैं यहीं पर। ये जनरेटर सही भी है कि नहीं, नहीं मालूम। 8 बजे यहीं बच जाएगा क्या? ये जनरेटर को लग रहा है सिम फोटो दिखाकर शो कर दिया कि जनरेटर आ गया है। अच्छा, तो अभी हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ आए CSC के, उनसे हम बात करने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना वक्त लगेगा यहाँ के लोगों को और कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो अभी हम बात करेंगे कुछ CSC के एम्प्लॉयज़ से जो यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर CSC के कुछ इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोड शेडिंग हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, उसे जल्द से जल्द फिक्स किया जाए और बिलगिचिया के जो लोग परेशान हैं इतनी गर्मी में, उन्हें राहत मिल पाए। तो हम उनसे कोशिश करेंगे, हालांकि वो काम कर रहे हैं इस वक्त, हम उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये चाहेंगे कि वो बताएं कि कितना टाइम लगेगा ये लाइन आने में और ये इसको फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा। केबल जो है, हाँ, मट्टी के नीचे फॉल्ट है। अच्छा, तो वो फॉल्ट को रिपेयर करेंगे, बाइक काट के चालू करेंगे, फॉल्ट को लोकेशन करेंगे, हाँ, लोकेशन करके उसको फॉल्ट को काट देंगे, उसका बाद लाइन चालू होने का चांस ज्यादा है, सब चालू होने का। अच्छा, कितना वक्त लगेगा फिर भी पढ़ाई करने में? जितना वक्त लगेगा फिर भी 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, ताकि लोगों को एक एहसास हो सके। लोगों को तो कुछ लाइन देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अच्छा, जो है फॉल्ट उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जो जमीन के नीचे से फॉल्ट है वो इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वक्ती राहत यहाँ के लोगों को मिल सके और जल्द से जल्द उसे
पूरा फिक्स करने की वो भी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग आराम से और चैन से जी सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।